हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। महाराज, तुम यहाँ? हाँ महाराज, आपकी आवाज कप कप आ रही है, आपका शरीर कांप रहा है। महाराज आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? गांधारी, जब मन ही शांत ना हो तो स्वास्थ्य कैसे ठीक रह सकता है? युद्ध के कारण मन व्याकुल है, अपने पुत्रों के भविष्य के बारे में सोचकर मैं भयभीत हो गया हूँ। आर्यपुत्र, आपको युद्ध के कारण इस तरह विचलित होना शोभा नहीं देता, आखिर आप एक क्षत्रिय महाराज हैं। परंतु मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि मैं पिता भी हूँ। तुम ये ना सोचो कि तुम्हारे बाणों से घायल होकर मैं तुमसे रुष्ट हो गया हूं। हाँ, यदि तुम जमकर युद्ध न करते तो मैं अवश्य तुमसे रुष्ट हो जाता और अपने आप को दोष देता कि मैंने तुम्हें ठीक ढंग से शिक्षा दीक्षा नहीं दी। और अर्जुन, जानते हो, ये विचार ही मेरे मन में ऐसे गहरे घाव लगाता जिनकी पीड़ा मेरे तन के इन घावों से कहीं अधिक होती। हे पार्थ, अवसर अच्छा है, इसका लाभ उठाओ। कदाचित पितामह दूसरी ओर से युद्ध करना चाहते हैं, परंतु तुम उन्हें दूसरी ओर जाने का अवसर मत दो, अपने साथ युद्ध में उलझाए रखो। इस तरह पांडव सेना पितामह के हाथों होने वाले संघार से बच जाएगी और भीमसेन को कौरवों की सेना का संघार करने का अवसर मिलेगा। पार्थ, पांडवों को विजय बनाना है तो युद्ध में तुम्हें यही रणनीति अपनानी होगी, क्योंकि हे पार्थ, जो भीष्म पितामह पर प्रतिबंध लगा सके ऐसा पांडवों की सेना में तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई योद्धा नहीं है। हे वासुदेव, मैं यही रणनीति अपनाता हूं। चलो सारथी, रुक जाइए पितामह। बेचैन हो रहा हूं और मेरी बेचैनी का कारण है वासुदेव श्री कृष्ण। प्रणाम महारानी। आयुष्मान भावा। गांधारी। गांधारी। महाराज, महाराज, गांधारी, महाराज, तुम यहाँ? हाँ महाराज, आपकी आवाज कप कप आ रही है, आपका शरीर कांप रहा है। महाराज आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? गांधारी, जब मन ही शांत ना हो तो स्वास्थ्य कैसे ठीक रह सकता है?
युद्ध के कारण मन व्याकुल है। अपने पुत्रों के भविष्य के बारे में सोचकर मैं भयभीत हो गया हूँ। आर्यपुत्र, आपको युद्ध के कारण इस तरह विचलित होना शोभा नहीं देता। आखिर आप एक क्षत्रिय महाराज हैं। परंतु मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि मैं पिता भी हूँ। गांधारी, रणभूमि पर जाने से पहले जब दुर्योधन मेरे पास आशीर्वाद मांगने आया था, तब मैंने उसे विजयश्री का आशीर्वाद दिया था। और मैंने आशीर्वाद देते समय कहा था कि धर्म और सत्य की विजय अवश्य ही होगी। गांधारी! क्यों महाराज, क्या मैंने कुछ उचित नहीं कहा था? तुम्हें अपने पुत्रों को विजय का आशीर्वाद देना चाहिए था। छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। गांधारी, ताप वेद व्यास से अनुग्रहित होने के कारण संजय हमें युद्ध का समाचार सुना सकता है। तुम भी सुनो। आओ गांधारी, बैठो। नहीं महाराज, मुझसे युद्ध का समाचार नहीं सुना जाएगा। क्यों गांधारी? क्योंकि महाराज, कौरव और पांडव दोनों ही तो हमारे ही पुत्र हैं ना। इस युद्ध में दोनों में से कोई भी मारा जाए तो विनाश तो कौरव कुल का ही होगा ना। इस युद्ध से लौटकर राजगद्दी पर चाहे कौरव बैठे या पांडव, महल में उनका स्वागत न जाने कितनी सूनी मांगों और कितनी सूनी गोदों को करना होगा। बस करो गांधारी, बस करो, बस करो गांधारी। तुम्हारा प्रत्येक शब्द मेरे हृदय में भाले की नोक की भांति चुभ रहा है। यही दशा मेरे हृदय की भी है महाराज, यही दशा मेरे हृदय की भी है। हम अंदर ही अंदर टूट रहे हैं महाराज, हम अंदर ही अंदर टूट रहे हैं। कदाचित यही पीड़ा हमारे प्रारब्ध में लिखी गई है, कदाचित यही पीड़ा हमारे प्रारब्ध में लिखी गई है। महाराज, आप संजय से युद्ध का समाचार सुनिए। मुझ में इस युद्ध का भयानक समाचार सुनने की शक्ति नहीं है महाराज, शक्ति नहीं है। मैं आपसे विदा चाहती हूँ महाराज, मैं आपसे विदा चाहती हूँ महाराज, मैं आपसे विदा चाहती हूँ महाराज, मैं आपसे विदा चाहती हूँ। दर्द हो रहा है ना पितामह? हाँ। अर्जुन, तुम यहां? मुझे क्षमा कर दीजिए पितामह, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपके शरीर पर ये घाव मेरे ही बाणों से आए हैं। तुमने एक क्षत्रिय धर्म का पालन किया है वत्स। एक क्षत्रिय होकर यदि युद्ध भूमि पर तुम अपने शत्रु पर वार न करते तो यह धर्म होता? जानता हूं पितामह,
परंतु यह धर्म का विधान बड़ा ही निर्दयी है, जो अपने को ही शत्रु बनाकर सामने खड़ा कर देता है। फिर भी तुम्हें अपने धर्म का पालन वैसे ही करना चाहिए जैसे तुमने आज अपने शत्रु पर प्रहार करके किया है। पितामह, आप पर मेरे बाण चलाने के कारण आप मुझसे रुष्ट तो नहीं है ना? ना। अर्जुन, तुम ये ना सोचो कि तुम्हारे बाणों से घायल होकर मैं तुमसे रुष्ट हो गया हूं। हां, यदि तुम जमकर युद्ध ना करते तो मैं अवश्य तुमसे रुष्ट हो जाता और अपने आप को दोष देता कि मैंने तुम्हें ठीक ढंग से शिक्षा दीक्षा नहीं दी। और अर्जुन, जानते हो, ये विचार ही मेरे मन में ऐसे गहरे घाव लगाता जिनकी पीड़ा मेरे तन के इन घावों से कहीं अधिक होती। पार्थ, इसीलिए मैं कहता हूं कि अपनी सभी भावनाओं को त्याग करके युद्ध करो। तुम्हारे बाण जब मेरे शरीर को छेदते हैं तब मेरे शरीर को अवश्य पीड़ा होती है, परंतु मेरी आत्मा को शांति प्राप्त होती है, संतोष प्राप्त होता है कि तुम धर्म, न्याय और सत्य के लिए सब कुछ भूलकर युद्ध कर रहे हो। यह कहकर पितामह, आप स्वीकार कर रहे हैं कि आप अधर्म, असत्य और अनीति का साथ दे रहे हैं। हाँ, परंतु मैं विवश हूं अर्जुन, मैं विवश हूं और विवशता ही मेरा प्रारब्ध है। मैं पिंजरे में बंद उस पंछी की भांति हूं जो फड़फड़ा तो सकता है परंतु प्रारब्ध के पिंजरे की एक तीली भी तोड़ नहीं सकता, और यही मेरी विडंबना है अर्जुन, यही मेरी विडंबना है। मेरी विवशताओं को केवल तुम ही समाप्त कर सकते हो अर्जुन, तुम ही मुझे इस पिंजरे से आजाद कर सकते हो। पितामह, कृपया बताइए, मैं आपको प्रारब्ध के इस पिंजरे से किस तरह आजाद कर सकता हूं? आपकी पीड़ा दूर करके मुझे खुशी होगी, बताइए मैं क्या करूं? मेरा वध कर दो। पितामह, पितामह, 14 वर्षों तक मैं आपके दर्शन नहीं कर सका। 14 वर्षों तक हम पांडव आपके प्यार से वंचित रहे, और 14 वर्षों बाद हम आपसे मिले भी तो रणभूमि पर एक दूसरे के शत्रु बनकर, ये कैसी विडंबना है, यह कैसा विचित्र धर्म है। धर्म का पालन इतना सहज नहीं होता पुत्र, धर्म कभी कभी ऐसी विडंबनाओं को साथ लाता है जिसका पालन करना दुष्कर हो जाता है। लेकिन एक मनुष्य को अपनी सभी भावनाओं का त्याग करके अपने धर्म का पालन करना ही पड़ता है। तुम भी अपने धर्म का पालन करते हुए मेरा वध कर दो। पितामह, मैं आपका पोता हूं। अर्जुन, ये क्या,
तुम रो रहे हो, एक योद्धा की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते, बल्कि उसकी शूर वीरता का अपमान होते हैं। यही आंसू रणभूमि में शत्रु के विरुद्ध हथियार ना उठाने पर विवश कर देते हैं। रोक लो इन आंसुओं को अर्जुन, रोक लो। अरे जब मेरे ये बूढ़े हाथ अपने जवान पोते के शरीर को अपने ही बाणों से छेदते हुए नहीं कांपते हैं, तो तुम्हारे ये जवान हाथ क्यों कांप जाते हैं? तुम्हारी दृष्टि क्यों कब कब आ जाती है? मैं तुम्हें तुम्हारा ज्येष्ठ पितामह होने के नाते अपने धर्म अपने कर्तव्य का पालन करने को कह रहा हूं। कल तुम युद्ध भूमि पर मुझे अपना शत्रु समझकर युद्ध करोगे, अपने वाणों से मेरे सीने पर निशाना लगाओगे और अपने वाणों को चलाते समय अपने हाथों को कांपने की आज्ञा नहीं दोगे, कदापि नहीं दोगे। परंतु पितामह। बस करो अर्जुन, मैं इससे अधिक कुछ और नहीं सुनना चाहता। तुम्हें मेरा आदेश हर स्थिति में मानना ही होगा, और यह भी याद रखो कि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है और मेरी अंतिम इच्छा भी यही है कि मैं अपने पोते के वाणों से ही मरूं। पितामह, हमारा भाग्य हमसे यह अन्याय क्यों कर रहा है? क्यों हम दोनों की इतनी कड़ी परीक्षा ले रहा है? जाओ पुत्र, कल युद्ध भूमि पर मिलेंगे।